सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि तत्व चिंतन के आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 24 जुलाई 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये जो आईपीओ है 16 से 20 जुलाई के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 1073 से 1083 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 1083 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 13 शेयर थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन यहां पर मिलता हुआ नजर आया था। और देखिए, टोटल इशू की बात करें तो करीब 500 करोड़ का यह इशू था, यानी बाकी सारे आईपीओ से यह थोड़ा छोटा है, इसलिए यहां पर आपको अलॉटमेंट में मुश्किल आने वाली है। अब देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 1015 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 1083 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 1015 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 2098 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं इसका जो प्रीमियम है लगभग अपने इशू प्राइस के आसपास ही पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहां पर 100% प्रीमियम यहां पर मिलने के संकेत यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इस आईपीओ का प्रीमियम करीब 300 रुपए के आसपास चला करता था और देखते ही देखते समय के साथ इसका प्रीमियम करीब 3.5 गुना यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, संभावना यह भी है कि यह आईपीओ करीब 80% लिस्टिंग गेन से लेकर करीब 140% लिस्टिंग गेन के साथ ओपनिंग के संकेत यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम यहां पर 140-150% के आसपास भी आपको प्रीमियम यहां पर मिल सकता है, तो आपको यहां पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए, बात आपको एक ही आती है यहां पर कि अलॉटमेंट मिलना मुश्किल है। देखिए, अलॉटमेंट यहां पर मिलना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ओवरऑल बात करें तो ये आईपीओ करीब 180 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और अगर रिटेल कैटेगरी अकेले में बात करें तो करीब 35-36 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आप देख सकते हैं हर 35वें 36वें व्यक्ति को ये आईपीओ अलॉट होने वाला है, यानी कि यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की वो काफी ज्यादा कम है। अगर किसी ने 15-20 अकाउंट से भी यहां पर अलग अलग अकाउंट से इसमें अप्लाई किया होगा तब भी ये मुश्किल है कि यहां पर उसको अलॉटमेंट मिल जाए, क्योंकि देखिए काफी ज्यादा कंपटीशन इस आईपीओ में हो रहा है। और देखिए, एक और बात यहां पर जो इस आईपीओ को मजबूत बनाती है कि ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जिसके कारण दोनों कंपनियों का यहां पर जो है दोनों सेक्टर का यहां पर मेल है इस कंपनी में, जिससे कि यहां पर और ज्यादा यहां पर पॉजिटिविटी बन रही है और ज्यादा डिमांड इस शेयर की बढ़ रही है। तो देखते हैं यहां पर किस तरीके की लिस्टिंग देखने को मिलती है। अभी तो इसका अलॉटमेंट आना बाकी है, जो कि शायद 26 तारीख को आने वाला है। तो देखते हैं किस किस को अलॉटमेंट मिलेगा और यहां पर कितना गेन मिलता हुआ नजर आएगा। या वैसे एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं यहां पर करीब 140% के आसपास आपको मिल सकता है, फिर देखते हैं कि कितना क्या कैसे मिलता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।